नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की छोटी बड़ी सभी खबरों को लेकर के आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर है। तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनने जा रही है, नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा। तेजस्वी यादव के मामा यानी राबड़ी देवी के भोले भाई ने बड़ा बयान देते हुए क्या कहा, ये देखते हैं। उत्तराखंड के टनल फंसने से लगभग 41 मजदूर फंसे, मजदूरों को निकालने की कवायद की जा रही है। 9 दिन बीत चुका है, अभी तक मजदूरों से मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, अभी तक किसी प्रकार से कोई खबर और नहीं। इसके साथ आज की खबरों में जानेंगे किस तरीके से विराट, तेजस्वी और इसके साथ तमाम अन्य बड़े क्रिकेटरों का तमाम कामयाबी असफल रहा, लेकिन कुछ पनौती जैसी चीजें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आई। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जी हां, इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कई कवायद और मजबूती के साथ चीजों को स्पष्ट तौर पर रखा गया है। आइए इस जानकारी को विस्तार से बताएंगे किस तरीके से जीतन राम मांझी ने 2024 की चुनाव को लेकर के कहा कि कुछ लोग बड़ों को संस्कार देना भूल जाते हैं, वह कहीं ना कहीं संस्कार में बंधे रहते तो ज्यादा बेहतर था। इसको लेकर के नई उम्मीदें दिखाई दी। बड़ी खबर सामने आ रही है, छठ पूजा पर 800 करोड़ रुपए की खरीदारी करने वाले बिहारियों ने बनाया नया रिकॉर्ड। बिहार को गर्व से सीना चौड़ा करने में महसूस हो रहा है आज। लेकिन इसके साथ आज की बड़ी खबरों में जानेंगे किस तरीके से ट्रेनों को लेकर के अब अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब रेल दुर्घटनाएं और तमाम अन्य चीजें सामने आने के बाद में ट्रेन में सफर करने वाले लोग भी इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर यहाँ लगातार बिहार में क्राइम रिपोर्ट बढ़ रहा है। छठ पूजा से लौटने वाले कुछ लोगों पर, कुछ भक्तों पर फायरिंग की गई, 5 लोग हताहत में घायल, लेकिन 2 लोगों की मौके पर मौत। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है राजस्थान से लेकर के, अशोक गहलोत ने पुनः अपनी सरकार बनाने को लेकर के नई जानकारी दी और इसके साथ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो बहुत बेहतर बात कही है, लेकिन इस पर भी विस्तार से नजर डालेंगे। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे किस तरीके से तेज प्रताप यादव ने बताया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कितना जल्दी वह बड़ी सफलता हासिल करने जा रहे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर नीतीश कुमार को लेकर के आ रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई ने कहा कि तेजस्वी यादव को अब सत्ता थमा देनी चाहिए, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सत्ता हाथों से निकलती दिखाई दी। बीजेपी परेशान, हताहत और परेशानियों के पीछे का एक नया मुद्दा भी सामने निकल कर के आ रहा है। तो पूरी खबर आपको बता देंगे, जानकारी से बने रहेगा। बस खबर के अंदर बताएंगे किस तरीके से अखिलेश यादव ने आपको बता दें कि चीज़ों को लेकर के सामने आए और एक बार फिर चीज़ उत्तर प्रदेशों में कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव से पहले तमाम अन्य चीज़ें इस बार कहीं ना कहीं चर्चा में आने वाला एक और बड़ा विषय होगा। और इसके साथ नई खबरें ये होगी कि आज, जी हाँ, लोकसभा में कई चीज़ों को नए तौर तरीकों से पारित किया जा सकता है। दिल्ली सरकार द्वारा लिए जाने वाले सभी बड़े निर्णय और योजनाओं के बड़े लाभ लोगों तक पहुंच रहे हैं और इस योजना के लाभ को लेकर के कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये सारी चीज़ें गलत हैं। इसके साथ आज सोशल मीडिया के तमाम अलग अलग हैंडलों पर मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ लोगों ने ट्वीट किया, कहा कांग्रेस की वापसी सुनिश्चित तौर पर तय हो चुकी है। बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है कि एक बार फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में श्रद्धालु भक्तों को सिर्फ लुभाने के लिए नीतीश सरकार करती है ऐसे वादे और बातें। इसके साथ आज की बड़ी खबरों में बात करेंगे बिहार के चर्चित पत्रकार एवं, जी हां, आपको बता दें कि एक चर्चित नेता के तौर पर उभरने वाले बड़े सितारे मनीष कश्यप मामले में नया मोड़ सामने निकल करके आ गया है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि एक बार फिर, जी हां, आपको बता दें कि तमाम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी गुड न्यूज सामने आई है। जी हां, शिक्षक अभ्यर्थी और पुलिस अभ्यर्थियों के लिए इस वक्त नई खबर सामने निकल करके आ रही है। बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से, जी हाँ, अखिलेश यादव और तमाम अन्य बड़े नेताओं को मात देने के लिए बड़े रणनीति बनाते नजर आए इस वक्त अमित शाह के निर्णय से क्या होगा नया बदलाव, देखा जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, हम मोहब्बत की दुकानों को तेजी से मजबूत कर बैठे हैं, हम मोहब्बत की दुकानों को जितना तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आने वाले कल को हमें एक और नया साथी मिलने वाला है। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, सोशल मीडिया पर पनौती किया ट्रेंड, पनौती लिख करके लोगों ने कराया ट्रेंड, आखिरकार उस स्टेडियम में कौन था पनौती, किसके वजह से इंडिया हार गई, अभी तक पनौती का पता नहीं चल पाया। चिराग पासवान ने कहा, लोकसभा चुनाव में हमारा प्रचंड बहुमत और बड़ी सफलता के साथ एक नई कोशिशें सामने आएगी, हम सभी जीत के उम्मीद के बहुत करीब तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारी उम्मीद है कि हम देश के अंदर और विकास कर पाएंगे। इसके साथ आज की बड़ी खबरों में जानेंगे किस तरीके से आज, जी हां, शराब को लेकर के बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर के एक नई मजबूती दिखाई दे
दे रही एक नई खबर सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेताओं ने कहा, लोकसभा चुनाव में हम सभी जीत करके इतिहास बनाएंगे। कुछ लोग हमें तोड़ने का नाकामयाब बड़ा बड़ा कोशिश कर रहे हैं और वह कुछ नहीं कर पाएंगे, यह मुझे भी पता है। इसके साथ बिहार के बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए एक नई योजना जो लाई गई, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थियों की भारी मात्रा पर भर्ती की गई, इसमें एक और नया मोड़ सामने आ गया है। अब बिहार से जाने वाले श्रमिकों को, मजदूरों को, इसके साथ तमाम अन्य लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों में जगह ना मिलने से ट्रेनों के, जी हाँ, आपको बता दें कि तमाम कोचों में सवार होकर लोग जाना चाहते हैं। इसके साथ आज की बड़ी खबरों में जानेंगे किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा 2024 के लिए हम सभी की मजबूती दिखाई देने वाली है। इसके साथ बात करेंगे चुनाव आयोग को लेकर के नए निर्णय के बारे में। चुनाव आयोग ने किस निर्णय से लोगों का दिल जीता, किस निर्णय से लोगों का ध्यान केंद्रित किया, इस पर भी डालेंगे विस्तार से नजर। आज के मुख्य और बड़ी समाचार को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखते हैं कि खबरों को विस्तार से। उत्तराखंड के काशी के अंदर फंसे हुए टनल के अंदर मजदूरों को निकालने का लगातार प्रयास चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी असफलता के साथ कुछ भी हासिल नहीं होता दिखाई दे रहा है। अभी तक फंसे हुए लगभग 9 दिन हो चुका है और अभी तक जो है मजदूरों के निकालने के लिए जो कवायद की गई है वो असफल रहा है। अब लगातार एक के बाद एक तमाम कोशिशों के बाद जब मजदूरों की सांसें टूट रही है, दम हार रहे हैं, वह कोशिश कर रहे हैं जीतने की, पर वह अब संघर्ष की कहानियों से टूटते बिखरते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त, जी आपको बता दें कि जिस तरीके से वनडे आईसीसी के टूर्नामेंट के दौरान जिस तरीके से तमाम लोगों की खबरें सामने, लेकिन एक पनौती जो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, आखिरकार ये पनौती क्या है? सोशल मीडिया के अलग अलग जगहों से पनौती मीन्स वाह काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, लोगों के दिलों में जाकर बस रहा है और लोगों ने इसको लेकर के कई बार, जी हाँ, आपको बता दें कि चीज़ों को मैनिपुलेट किया है। खैर, आपको क्या लगता है ये आप ज़रूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर, जी हाँ, आपको बता दें कि अलग अलग महानगरों में अगर आप बिहार के दरभंगा या पटना से जाना चाहते हैं तो आपको देना होगा एक दिन का लगभग एक व्यक्ति का किराया 30,000। और इतनी ज़्यादा महंगा किराया करना, जी हाँ, एयर कंपनियों को लेकर के लगातार खबरें सामने आ रही है और इसको फिर जो है वो सामने चीज़ों को लेकर के आ रहा है। खैर, अब अपनी जानकारी ज़रूर बताइएगा कॉमेंट में, आप क्या सोचते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर के, छठ पूजा को लेकर के। बड़ी खबर सामने आ रही है तेजस्वी यादव को लेकर के। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और यह बात स्पष्ट हो चुका है। देश की जनता ने लगभग तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद के लिए एक सुनिश्चित बेहतर चेहरा माना है। लोगों ने बताया कि तेजस्वी यादव ना सिर्फ नेता हैं बल्कि लोगों के दिलों में वास करने वाले वर बेटा भी हैं। लगातार तेजस्वी के समर्थन में उतरने वाले लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम बना देना चाहिए, नीतीश कुमार के पास अब यह पद अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उन्हें पद छोड़ करके सीएम तेजस्वी यादव को बना देना चाहिए। खैर, अब अपनी राय कॉमेंट में रखिएगा, आप क्या सोचते हैं। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, छठ पूजा के महापर्व के दौरान लगभग करोड़ों रुपए की खरीदारी ने रिकॉर्ड बनाया, बिहारी और बिहारियों को जो मनोबल बढ़ाया। देश में बिहारियों ने जिस तरीके से अलग अलग रिकॉर्ड बना करके तमाम दिल जीता, उसको लेकर के कई चीज़ें सामने आई। हालांकि सोशल मीडिया पर छठ पूजा की अनोखी तस्वीरें इस बार सामने आई और इस बार कोरोना काल के बाद में पहली मर्तबा ऐसा था जब बिहार के सभी लोगों ने बिहार की तरफ छठ पूजा के दौरान रुख किया और छठ मनाते नजर आए। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, छठ पूजा से लौट रहे कुछ श्रद्धालु भक्तों पर गोली चलाई गई। खबर इस वक्त बिहार से सामने आई जहां कुछ अपराधियों ने गोली चला करके दो लोगों को मौके पर मार दिया, जबकि लगभग चार व्यक्तियों को जिया घवाहिल पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। अपराध पर नियंत्रण लगाने में नीतीश सरकार की असफलता की कहानियाँ यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पता चल रहा है कि बिहार में आज बेखौफ बदमाशों का खौफ किस तरीके से हो पड़ा है, वह किस तरीके से खौफनाक तस्वीरों को साझा कर और किस तरीके से यह खौफनाक तस्वीरें लोगों के लिए आज परेशानी का सबक भी बनती नजर आ रही है। बड़ी खबर,
बड़ी खबर सामने आ रही है अशोक गहलोत को लेकर के। अशोक गहलोत ने राजनीतिक में एक और नया बवंडर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में हम चुनाव जीत करके एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और ज़बरदस्त रिकॉर्ड है राजस्थान के अंदर हमारा। जी हाँ, ताकत और शक्ति आप देख सकेंगे, बस वक्त का इंतज़ार कीजिए, आपको कुछ समय के बाद में राजस्थान के अंदर जो ताकतें यहाँ देखने को मिलेगी वह आपको पूरे देश में लोकसभा चुनाव में मजबूती दिखाई देगी। बीजेपी के अंदर चिराग पासवान का जाना और जा करके संभल जाना अपने आप में एक चैलेंजिंग विषय था, लेकिन चिराग पासवान ने इसे स्वीकार किया और वह आगे बढ़ गए। आज चिराग पासवान के चाहने वाले लोगों ने बताया कि चिराग पासवान लोगों के लिए काफ़ी मजबूती से कार्य कर रहे हैं और इसके साथ वह एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिस उम्मीद को लेकर के वह कई खबरें भी देते नजर आए। हालांकि चिराग पासवान ने धीरे धीरे बताया कि बीजेपी के लिए वह कुछ और भी नया प्रयास कर रहे हैं और सफलता की सीढ़ियों को और मजबूत करने की एक कवायद और मजबूती दिखाई दे सकती है। बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में अपने आप को मजबूत किया है और लोकसभा चुनाव को लेकर के वह मजबूत करते नजर आए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारी ताकत इसलिए जानी जाती है, हम लोग इसलिए जाने जाते हैं कि हम सभी प्यार और मोहब्बत से जीना चाहते हैं। इंडिया अलायंस के तमाम लोगों ने जिस तरीके से हमें प्यार दिया, हमें मोहब्बत दिया, हम उनसे काफ़ी कहीं ना कहीं मजबूत हैं और देश के लिए उनसे ताकतवर बनने की अपील कर सकते हैं। खैर, अब अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आप क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, आपके इस पर क्या विचार है। इसके लिए जय हिंद, वंदना।